वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भरवीं शिमला मिर्च। भरवीं शिमला मिर्च बनाने के लिए यहाँ मैंने छोटी छोटी शिमला मिर्च ली है। अब इसको हम ऊपर से काट लेते हैं। इसको हम इस तरह से कट लगाएंगे और ऐसे घुमाते जाएंगे तो ये डंडी हम निकाल देंगे। ये मैंने, ये देखिए इसमें बीज नहीं है। अगर आप बड़ी बड़ी शिमला मिर्च ले रहे हो तो उसके बीज निकाल देने चाहिए, तो मैं इसके बीज नहीं निकाल रही क्योंकि इसमें बीज है ही नहीं। ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल नरम सी है। अब हम अपनी सारी शिमला मिर्च ऐसे ही काट लेते हैं। इसको हम ऊपर से डंडियाँ निकाल लेते हैं और एक अंगूठे की मदद से हम इसको ऐसे दबा देंगे। देखिए अब हम सारी शिमला मिर्च ऐसे ही काट लेते हैं। मैंने सारी शिमला मिर्च को खाली कर लिया। अब इसके हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डालेंगे। अब मैंने सरसों का तेल डाल दिया। अब इसको हम गर्म होने देते हैं। अब तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़े सा जीरा डालेंगे, थोड़ी सी अजवाइन, गैस को हम कम नहीं रखेंगे। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। ये उबले हुए आलू हैं, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हम 2 मिनट के लिए तेल में भूनेंगे। अब हमें 2 मिनट हो चुके हैं आलू को भूनते हुए। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, नमक अपने हिसाब से डालें, आधा चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच हम सूखा धनिया डालेंगे। और थोड़ी सी हींग, थोड़ी सी काली मिर्चें और आधा चम्मच अमचूर। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इसको हम मसाले में अच्छी तरह से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। आलूओं को हम मैश करते जाएंगे। अब हमें मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हमारा ये स्टफिंग बनकर तैयार है। अब गैस को हम बंद कर देंगे और इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे ठंडा होने के लिए। इसको हम अच्छी तरह से फैला लेंगे। इसको हम थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम आप अपनी शिमला मिर्च भरेंगे। अब हमारी स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब हम शिमला मिर्च में भरेंगे। इसको थोड़ा सा यहाँ रखेंगे और इसको उंगली से हम दबाते जाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम भरेंगे, उंगली से हम डालते जाएंगे इसको। और उंगली से हम इसको चारों तरफ ऐसे घुमाएंगे जो कि हमारा जो आलू का मसाला है वो अच्छी तरह से अंदर लग जाए। अब इसको मैं और भर देंगे। अब ये अच्छी तरह से भर चुकी है। अब हम अपनी सारी शिमला मिर्च ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। अब मैंने सारी शिमला मिर्च को भर लिया है। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। अब मैंने उसी कढ़ाई में तेल डाल दिया है। अब इस तेल को हम गर्म होने देते हैं, फिर हम अपनी शिमला मिर्च डालेंगे। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम शिमला मिर्च डाल देंगे।
अब हमने सारी शिमला मिर्च डाल दिए। गैस को हम कम ही रखेंगे और इसको हम ढक देंगे। अब इसको हम 3 मिनट के लिए देखेंगे और उसके बाद हम इसको पलटेंगे। अब हमारी शिमला को 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। अब इनको हम पलट लेते हैं। अब इसको हम फिर से ढक देते हैं और 3 मिनट के बाद फिर देखेंगे हम इसको। हमारी शिमला मिर्च को बनते हुए 3 मिनट और हो चुके हैं, अब इसको हम फिर से दोबारा चेक कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा हम इसको एक बार और पलट लेते हैं। वैसे हमारी शिमला बनकर तैयार हो चुकी है, फिर भी हम एक बार 2 मिनट के लिए और इसको हम पकने देंगे। अब फिर से हम इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए और इसको हम पकने देंगे। अब हमारी शिमला मिर्च को 2 मिनट और हो चुके हैं, अब इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। अब हमारी शिमला बन चुकी है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं और इसको हम निकाल लेते हैं। अब हमारी भरमा शिमला मिर्च बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।